गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों अभी तक आपने चैप्टर 7 पढ़ा है और आज हम ये चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अब हम आपको इसी में मेंटल मैथ पढ़ाएंगे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़िए और जिसका करेक्ट आंसर है उसे फिल कर दीजिए। बच्चों यदि आपने पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ा है, समझ करके पढ़ा है, तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ, क्वेश्चन नंबर 2। रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज 22/1/88 इज इक्वल टू, हैज द सेम रेसिप्रोकल एज इट्सेल्फ। बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है तो इनके आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, है ना। अदरवाइज आप क्या करें कि इन्हें एक बार फिर से पढ़िए और पढ़ करके फिर आप आंसर इनके दीजिए, है ना। चलिए फिर भी हम आपको एक बार फिर से पढ़ा देते हैं ताकि आपको आंसर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। The reciprocal of an improper fraction is a fraction. देखिए जब improper fraction होते हैं ना, तो जब improper fraction का आप reciprocal करेंगे तो वो proper हो जाता है। Just opposite, proper का improper और improper को proper fraction हो जाते हैं। तो यहाँ पर reciprocal किसका किया, improper का, तो improper का reciprocal क्या हो जाएगा, proper fraction। अच्छा अब सपने इन क्वेश्चन नंबर 2, रेसिप्रोकल ऑफ 3/7, तो बच्चों 3/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/3। अब इसका भी रेसिप्रोकल आपको निकालना है, क्योंकि देखो रेसिप्रोकल ऑफ 3/7, तो 3/7 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 7/3, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/7। समझ में आई कुछ बात, है ना। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आप आसानी से क्वेश्चन को, देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है बच्चों कि जब आपका मन उसमें लगता है ना पढ़ाई में, तो आप उसको और अधिक जानने की कोशिश करते हैं और अधिक करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 22/1/88, अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों आप, वेरी सिंपल, है ना। 22/88, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, आप सभी लोग कर लेंगे, है ना। वेरी गुड, हैज सेम रेसिप्रोकल एज इट्सेल्फ। देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल वही नंबर आता है, कौन सा ऐसा नंबर, 2? नो, 2 का करते हैं तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन अगर आप 1 लेते हैं तो 1/1 का चाहे रेसिप्रोकल आप करेंगे तो 1 ही आता है ना। अच्छा 1/6 एट इट टाइम्स गिव 1, अब आपको ये बताना है कि 1/6 को कितने टाइम्स ऐड किया जाए कि 1 आ जाए, कितने टाइम्स, टाइम्स यानी मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो अब आप ये बताइए कि इसको कितने टाइम्स कर सकते हैं, यानी 1/6 × 6, 6 से डिवाइड हो गया, आंसर क्या बचेगा, 1। अच्छा अब 0/5/7, तो बच्चों इसका आंसर तो आपको बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं, आप लोग कर लेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 7 को भी अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे एंड आंसर इज, आप लिखेंगे आंसर क्या होगा, है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 में 4/3 × 3/4 × 1, तो बच्चों आपको इसमें देखिए 2 फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई है एंड 1 एक होल नंबर है, तो अब इसका भी आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
यस, कैसे कर सकते हैं? वेरी सिंपल, 4 से 4 को मैंने डिवाइड किया एंड 3 से 3 को डिवाइड किया. आंसर आप स्वयं लिखिए. अब आपको लिखना है 1/3 ऑफ 3 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ, क्या होगा जब 1/3 ऑफ 3 तो 1/4 ऑफ, यस 4, वेरी गुड. 5 टाइम्स ऑफ 1/5 आंसर इज, बच्चों देखिए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 था इसी प्रकार से बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर होगा. तो अब आप इन क्वेश्चन को खूब अच्छे से करिएगा, मन लगा के करिए, ताकि आप मतलब इसको आप पूरे एंजॉय के साथ करिएगा तो आपको मज़ा आएगी. ये अच्छा, अब आपको ये कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए गए हैं, कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, है ना, और आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद बच्चों देखिए यहाँ नेशनल एनिमल एंड नेशनल बर्ड दिए गए, तो आपको इसमें दो चीज़ें छिपी हुई हैं, एक नेशनल एनिमल एंड दूसरा नेशनल बर्ड नेम छिपा हुआ है. तो बस अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, और जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, ठीक है, आप सॉल्व किए तो क्या करना है आपको, 1 यानी देखिए यहाँ पे लिखें 4 रेसिप्रोकल कर देंगे आप इसका, 8/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/8 हो जाएगा. अब जब 3/8 हो जाएगा तो 4 × 3/8, 4 × 3 = 12, 12/8, तो देखिए यहाँ 12/8 कहीं पे है. अच्छा, आप इसको और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 4 × 3/8, तो 4 × 4 = 8 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2, चेक कीजिए कहीं पर 3/2 है, यस 3/2 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, 2 × 1 = 2 and 1 यानी 1/2 होल नंबर 1. देखिए इसका आंसर जब यह है तो आपने वहाँ पर क्या लिख देना है, ओ, यहाँ पे ओ लिखा तो यहाँ पर ओ लिख देंगे. इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को 3/7 रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 3/7 का 7/3, 3 × 3 = 7, 7 × 7 = 1. तो अब आप 2 यानी सी, 2 का आंसर कितना है बच्चों, सी, सी का आंसर है 1. तो अब यहाँ पर ढूंढिए 1 कहीं पे लिखा है, आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, यस ये देखिए यहाँ पर 1 लिखा है, यानी 1 के ऊपर कितना लिख देंगे आप, सी. इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 को डिवाइड कर दीजिए बच्चों, एंड 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 यानी 1/4. यहाँ पर ढूंढिए कहीं, ये देखिए लिखा हुआ है नेशनल बर्ड में सेकेंड फ्रैक्शन 1/4, यानी इस जगह आप क्या लिख सकते हैं, ई. समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपको, 3/7 है एंड 2/5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो × 5/2 हो गया. तो आप क्या करेंगे, कोई किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 5 × 3 = 15 एंड 7 × 2 = 14. देखिए 14 को जब हमने और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया तो कितना हो जाएगा, 14 × 14 एंड 15/14. देखिए यहाँ पर आ गया, तो ये लिखा है 1/14 होल नंबर 1 क्वेश्चन नंबर, तो इस जगह आप टी लिख देंगे. इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नेशनल एनिमल्स नेम होगा एंड नेशनल बर्ड नाम अपने आप आ जाएगा. ओके, हालांकि आप लोगों को पता है नेशनल एनिमल क्या होता है तो आप उसकी स्पेलिंग लिख देंगे, और नेशनल बर्ड की आप स्पेलिंग लिख देंगे तो भी आपके सारे आंसर आ जाएंगे. ओके, मैंने हिंट्स दे दिए, अब आप समझ करके इन क्वेश्चन को आसानी से अपनी बुक में फिल करेंगे. ओके, बाय बाय.